जो 2 रुपए का धागा अपनी कमर में बांध कर कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी सर्वश्रेष्ठता को जूते की नोक पे रख दिया। ना मैं सोऊंगी और ना मैं तुम्हें सोने दूंगी, ना मैं डरूंगी और ना मैं तुम्हें डरने दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। अपने नाम की लड़ाई छोड़ दो, अपने चेहरे की लड़ाई छोड़ दो, मुद्दों की लड़ाई लड़ो। मुद्दों की, जब मुद्दों की लड़ाई लड़ोगे तो आपकी जीत हासिल होने लगेगी। है मेरे समाज के वो गुमराह लोगों, जो दुश्मन ने आपके बीच में इतनी दुश्मनी पैदा कर दी है, भाई भाई में नफरत पैदा कर दी है, पति पत्नी में दीवारें खिंच गई है, एक अंबेडकरवादी है तो पत्नी मनुवादी है, ऐसे लोगों से भी कह देना चाहती हूँ, ये सरहदें काट दो। पागलों का इलाज हो सकता है साथियों, पागल बहुत है इस देश में, पागल खानियों में भेज देंगे, लेकिन जिद्दी लोगों का कोई इलाज नहीं होता। और निर्देश जिद्दी है आपके अधिकारों को दिलवाने के, जो तुम्हारे यहाँ वोट देकर के तुम्हें नेता बनाता है, जो तुम्हारी कंपनियों, फैक्ट्रियों, सड़कों और ये भवनों बनाने में अपना श्रम देता है, उस व्यक्ति का, उस समाज का, उस लोगों का तुमने जी भर के शोषण किया और तुम्हारी आगे भी यही मंशा है। इन बहुजन बेटियों को जो कहा करते थे कि ये तो शोषण के लिए बनी है, ये तो कीड़ी मकोड़ी, इनका तो कोई हक नहीं है, इनको क्या करना है, ये तो जब जवान होंगी तो हमारे हवस का शिकार बनेंगी, और जब 5000 वर्षों का हिसाब होगा तो तुम पैर से लेकर सर तक हमारे कर्ज में डूबे निकलोगे, तुम हिसाब में कहीं पूरा नहीं कर पाओगे। मैं पेरियार की बेटी, आपने देखा मैंने ये क्यों उठाए, मैंने यहाँ तक उठ लिए हैं। पेरियार ने भी ये बाजू ऊपर उठकर पाखंड बाद की ताबूत में कील ठोक दी। ऐसे ही एक और महान शख्सियत मान्यवर काशीराम साहब, कॉलर का कभी बटन नहीं लगा और कफ का कभी बटन उनका हो ही नहीं करता था, खुला रहता था। आज इस आंदोलन में पहुंचे ये सभी लोग अंबेडकर और पेरियार के बेटा बेटी हैं। ये उस विरासत को बचाने आए हैं जिस विरासत को बनाकर हमारे महापुरुष गए। हमारे महापुरुषों ने किसी के साथ अत्याचार नहीं किया, उन्होंने जिनके साथ अत्याचार हो रहा था उनके साथ न्याय कर दिया। इस वजह से इस देश के वो लोग जो 2 रुपए का धागा अपनी कमर में बांध कर कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी सर्वश्रेष्ठता को जूते की नोक पे रख दिया। आज इस आंदोलन में पहुंचे मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। नाम नहीं ले सकती, अगर एक का नाम लूंगी तो ये सब नाराज होंगे और नाम की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। आप यहाँ से समझना कि मैं एक एक का नाम ले रही हूँ, जितने यहाँ पर खड़े हैं और जो इतने यहाँ से जा चुके हैं, एक एक का नाम ले रही हूँ मैं यहाँ से, उन सब के लिए जो यहाँ पहुंचे और जिन्होंने बिना पहुंचे भी बहुत बड़े बड़े समर्थन और सहयोग भेजे, उन सब का मैं इस दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। और अगले आंदोलन के लिए आप सबको चेताती हूँ, चेतावनी देती हूँ कि जाके सोना मत, अभी तो लंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, सोना नहीं है। ना मैं सोऊंगी और ना मैं तुम्हें सोने दूंगी, ना मैं डरूंगी और ना मैं तुम्हें डरने दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। इस मंच पर जितने अतिथि उपस्थित थे, ये वो अतिथि नहीं थे, ये वो अतिथि थे जिन्होंने गांव-गांव जाकर, ये वो सारे अतिथि हैं जो एक रात पहले गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रहे थे हम आपके मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वो अतिथि नहीं है कॉलर संभाल कर आगे कहीं दूर से गाड़ी में बैठकर, ये सारे वो जमीनी अतिथि थे जिन्होंने इस देश के दर्द को अपना दर्द मानकर रातों की नींद खोई है। तो मैं इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इस आंदोलन की नींव बताती हूँ कैसे उत्पन्न हुआ, ये कैसे जन्मा। 7 फरवरी 2023 को अंबेडकर भवन दिल्ली में हमने 100 पावरफुल वुमेन्स, बहुजन वुमेन्स का एक आंदोलन किया और अंबेडकर भवन में जब हमने इसका आगाज किया तो हमने वहां से ये डेट फिक्स कर दी थी कि ठीक 9 महीने बाद, फरवरी से सितंबर में ठीक 9 महीने बाद, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, 9 माह अपने गर्भ में धारण करती है और ठीक 9 माह बाद उसको जन्म देकर लालन पालन करती है और इस दुनिया में लाती है, वैसे ही आप इस आंदोलन को सोच रहे होंगे कि ये कल का आंदोलन है, नहीं, इसकी नींव 9 माह पहले अंबेडकर भवन 7 फरवरी 2023 को डाल दी गई थी इसी दिल्ली की जमीनों पर। आज उस आंदोलन का वो बच्चा जन्मा है आज के आंदोलन के रूप में और मुझे खुशी है कि हम सब ने अपने दर्द और पीड़ा से इस आंदोलन जैसे बच्चे को जन्म दे दिया है।
जिस तरह हम अपने बच्चे को लालन पालन करते हैं, जिस तरह हम अपने बच्चे की दवाई करते हैं, खर्चा करते हैं, पैसा लगाते हैं, ऐसे ही इस देश के हर उस व्यक्ति को मैं क्या देना चाहती हूँ जो भूमिहीन है, जो सताया गया है, जिस पे जातिवाद की तलवार चली है, जो हमेशा नोक पे रखा गया है, जो हमेशा सामंतियों का शिकार रहा है, उनसे क्या देना चाहती हूँ। एक आंदोलन के रूप में एक छोटा बच्चा आज इस देश की राजधानी से इन महिलाओं ने अपने आंदोलन से सफल करके आपको यहाँ से दे दिया है। अब परवरिश करना आपकी बात है, आपकी बारी है। मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगी, हर दिन इन दो मुद्दों को लेकर गांव-गांव जाऊंगी, देहात में खड़ा सबसे लास्ट का आदमी उसको समझाऊंगी, उसको लेकर आऊंगी। और ये काम करने वाली मैं अकेली नहीं, मेरे साथ इस काम को करने वाले लगभग कई हजार लोग हैं जिन्होंने इस मेहनत को करके ये साबित कर दिया कि हम सबका सपना इस समाज के लिए सपना है। हमारा सपना वो नहीं है कि हम कहें भैया हिंदू राष्ट्र बना लो, लेकिन सारा संविधान का जो लाभ है वो हम खा भी जाए, और जिनके लिए संविधान बना था कमजोरों के लिए, जब वो अपने संविधान अपने अधिकारों की बात करे तो कह दे भावना हाथ हो गई, मेरी भावना हाथ हो गई, मेरी भावना तो जमीन पे बिलबिला गई, मेरी जमीन पे भावना गिर गई। अरे भावना गिर जाती है, वो भावना हाथ गैंग इसी दिल्ली के अंदर सर तन से जुदा कर दो जैसा नारा लगाकर 10 करोड़ का इनाम देती है। अरे शर्म नहीं आती उन लोगों को, इस देश के अंदर ऐसे ऐसे नारे देकर इस देश की भाईचारा और एकता को तोड़ा जाता है। हम इस देश की एकता बनाने निकले हैं, हम इस देश के लाइन में खड़े सबसे पीछे व्यक्ति, दबे कुचले शोषित वंचित और दमित औरतों की लड़ाई लड़ने निकले हैं। अगर समाज को देश को लगता है ये लड़ाई उनकी है तो हमारे साथ आइए, इस लड़ाई को मजबूत करिए। ये पहला आंदोलन इस देश के अंदर हमने जमीन को और शिक्षा को लेकर नहीं किया है, इससे पहले भी आंदोलन होते रहे हैं। इसके निराला जी गोरखपुर में कर रहे हैं, द्वितीय गौतम जी ने नूह में किया था। इन आंदोलनों को हम अब राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना के लिए कमर कस चुके हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगी कि संगठनों की लड़ाई छोड़ दो, अपने नाम की लड़ाई छोड़ दो, अपने चेहरे की लड़ाई छोड़ दो, मुद्दों की लड़ाई लड़ो, मुद्दों की। जब मुद्दों की लड़ाई लड़ोगे तो आपकी जीत हासिल होने लगेगी। केवल दुश्मन की बुराई करने से आप नहीं जीत हासिल कर सकते, आपको दुश्मन से अच्छी चीजें सीखनी भी पड़ेंगी और अपनी बुराइयां खत्म भी करनी पड़ेंगी। हमारे अंदर जो अनेकता का भाव है, हम दूसरे का महिमा मंडन कर लेते हैं लेकिन अपने भाई के साथ भाईचारा निभाते हुए डरते हैं। हम दूसरे को हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ा देते हैं लेकिन अपने का हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाते हुए डरते हैं, कहीं ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए। नहीं, जब हम किसी को ऊपर बढ़ाते हैं तो हम भी ऊपर बढ़ते हैं, जब हम किसी को नीचे धक्का मारते हैं हमें भी झुकना पड़ता है। जितना किसी को झुकाएंगे इतना झुकना 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 पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ मेरे समाज के लोगों, है मेरे समाज के वो गुमराह लोगों जो दुश्मन ने आपके बीच में इतनी दुश्मन पैदा कर दी है, भाई भाई में नफरत पैदा कर दी है, पति पत्नी में दीवारें खिंच गई है, एक अंबेडकरवादी है तो पत्नी मनुवादी है, ऐसे लोगों से भी क्या देना चाहती हूं, ये सरहदें काट दो। इस सरहदों को खत्म करने के लिए एक ही विचार है, बाबा साहब अंबेडकर का लिखित संविधान, उसको पढ़ना शुरू कर दो। गीता भागवत हमने बहुत पढ़ी, इससे हमें कुछ नहीं मिला, हमारे पुरखों के शरीर पर चिथड़े होते थे, जब से संविधान आया है आज हम कॉलर ऊंचा करके अपने हाथ की ये सलवटें ऊंची करते हैं। संविधान की बदौलत है, इसको बचाने का काम करो। इस समाज की जितनी महिलाएं यहाँ आई हैं, ये महिलाएं किसी की प्रायोजित भीड़ नहीं है, ये अपनी रोटी बांध के लाई हैं, अपने घर से पानी लाई हैं, ये वो लोग हैं जो अपना 10-10 रुपया गांठ का किराया खर्च करके यहाँ तक पहुंची हैं, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने जैसे अपने बच्चों के लिए फीस जमा करती हैं वैसे इन्होंने आज इस आंदोलन के लिए पैसा जमा किया था। और मैं इनसे ये आश्वासन नहीं पूरा विश्वास दिलाती हूँ, अगर इसी तरह से आप लड़ाई लड़ती रही तो अगला आंदोलन हम बहुत मजबूत करेंगे। और मैं वादा दिलाती हूँ अगली बार जब आंदोलन होगा तो निर्देश अपनी मांगे पूरी करवा कर ही दिल्ली से हटेंगे। हम केवल भाषण देने या कानों को सुख पहुंचाने या दिल को सुख पहुंचाने नहीं पहुंचे हैं, हम मुद्दे को मजबूती से हासिल करने के लिए पहुंचे हैं। और ये मुद्दा हासिल तब होगा जब हम जिद्दी बनेंगे। पागलों का इलाज हो सकता है, पागलों का इलाज हो सकता है साथियों, पागल बहुत है इस देश में, पागल खानियों में भेज देंगे, लेकिन जिद्दी लोगों का कोई इलाज नहीं होता। और निर्देश जिद्दी है आपके अधिकारों को दिलवाने के लिए, पर ये जिद है मेरी। ये पहली बार आंदोलन ऐसा हुआ है जिसमें लगभग कई हजारों लोग जो हैं, हर किसी का कहीं ना कोई संगठन है, संगठन का घमंड छोड़कर जब लोग यहाँ बैठे हैं तो ये मुझे देखकर खुशी हो रही है। ये खुशी हो रही है कि महिला का नेतृत्व इस समाज के अंदर, आप तक हमने ऐसी ऐसी औरतों का नेतृत्व स्वीकार किया, उनकी तस्वीरें लगाई घर में,
जिन्होंने हमारे राजाओं को छल कपट से दारू पिला के और अपना सुंदर सुंदर वो दिखा करके उनको छल लिया और उनको हत्याएं कर दी। ऐसी औरतों को हमने देवी देवता माना। आज मेरे समाज के लोग अपने मुद्दों को, अपने देवी देवताओं को मानने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। आप इसमें देखेंगे सावित्रीबाई फुले देश की प्रथम महिला शिक्षिका और उनके साथ फातिमा शेख जिन्होंने उनका साथ दिया, पेरियार ईवी रामास्वामी और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को तो कौन नहीं जानता। ये लोग इस देश के वो धरोहर हैं जिन्होंने इस देश को सुधारने, सवारने, सुंदर बनाने, खूबसूरत बनाने और इस देश को विश्व स्तर पर पहचान पहुंचाने के लिए इस देश के अंदर न्यायवादी संविधान दिया। आज वो कीड़े, क्या कहूं उनको, वो बिलबिला रहे हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने असमानता का एंटीडोट संविधान में लिख दिया। बाबा साहब ने क्रूरता और हमारे अत्याचार शोषण का जो एंटीडोट था वो संविधान में लिख दिया। इस वजह से वो नाराज हैं। संविधान से हमारी सुरक्षा है और हमें संविधान बचाना होगा। आखिर में मैं कहना चाहूंगी, मेरे साथ में मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाले जो हमेशा पर्दे के पीछे रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने कहा है मुझे नाम मत लेना, लेकिन मैं उनको भी आभार व्यक्त करूंगी। हे मेरे साथियों, हे बहुजन समाज के वो लोगों जिन्होंने एक छोटी सी एक आम लड़की को एक फायर ब्रांड बनाने का काम किया है, मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम मुझे एक एक रुपया देते रहो। और वादा एक और करती हूँ, जिस दिन अपने घर से एक एक व्यक्ति देते रहोगे मिशन के लिए, तुम्हारी हर लड़ाई में जीत के दिखा दूंगी। सिर्फ एक व्यक्ति और एक रुपया मुझे चाहिए, फिर देखो कि ये लड़ाई हम कहाँ तक लेकर जाते हैं। जिद्दी हूँ, पागल नहीं हूँ, पागलों का इलाज हो सकता है, फिर कह रही हूँ जिद्दी हूँ, पागल नहीं हूँ, पागलों का इलाज हो सकता है, पागलपन से ज्यादा ऊपर उठ चुकी हूँ। तो ये जिद है कि ये अधिकार दिलवाकर ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए अगली बार मुझे अनिश्चितकालीन धरने पे क्यों ना बैठना पड़े, हम बैठेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग उसी समय ऐसे ही साथ देने के लिए आएंगे। क्या आप साथ देने के लिए आएंगे? हाथ ऊपर उठा के, दोनों हाथ ऊपर उठा के बताएं, क्या सारे लोग साथ देने के लिए आएंगे? क्या हम जमीनों के हकदार हैं? हमें बदनाम किया जाता है कि देखो डॉक्टर अम्बेडकर ने इधर उंगली दिखा दी, वो जमीन तुम्हारी है। आज तक हमें जमीन ही नहीं मिली, हमारे तो मकान बनाने को जमीन नहीं है, खेत जोतने को जमीन नहीं है, भैंस चराने को जमीन नहीं है, भैंसों के लिए चारा उगाने को जमीन नहीं है। दूसरे के खेतों में हमारी बहन बेटियां जाती है, उनके साथ शोषण होता है। दूसरे के खेत में हमारे लोग मजदूरी में मजदूरी करते हैं, उनके साथ उनसे बेगारी कराई जाती है। क्या हम इस देश के बासिंदे होकर के इस देश में हमारा कोई हक नहीं है? केवल हम इस देश में हाथ फैलाकर भीख मांगते रहे? शिक्षा के मामले में इस देश के अंदर सबसे ज्यादा शोषण हमारे लोगों का हो रहा है। जो इस देश के अंदर वोट परसेंट ज्यादा है, जिसकी संख्या ज्यादा है, जो तुम्हारे मंदिरों में घंटा बजाकर दुनिया भर का करोड़ों रुपया दान देता है, जो तुम्हारे यहाँ वोट देकर के तुम्हें नेता बनाता है, जो तुम्हारी कंपनियों, फैक्ट्रियों, सड़कों और ये भवनों बनाने में अपना श्रम देता है, उस व्यक्ति का, उस समाज का, उस लोगों का तुमने जी भर के शोषण किया और तुम्हारी आगे भी यही मंशा है। लेकिन हमारी आंखें खुल चुकी हैं, अगर नहीं खुली तो हम खोलेंगे उनको, हम जाकर जगाएंगे कि ये जो अत्याचार हमारे साथ हो रहा है, हमारा बच्चा अलग स्कूल में इंग्लिश पढ़ेगा और हमारा बच्चा अलग स्कूल में हिंदी पढ़ेगा, तुम अपने बच्चों को कहाँ से कबूतर, हमारे बच्चों को कहाँ से कबूतर पढ़ाओगे और अपने बच्चों को कहाँ से कंप्यूटर पढ़ाओगे? ये गद्दारी नहीं चलेगी। तुम हमारे बच्चों को हाथ से हल चलाओगे और अपने बच्चों को हाथ से हेलीकॉप्टर पढ़ाओगे? ये धोखाधड़ी अब नहीं चलेगी। तुम्हारा बच्चा हेलीकॉप्टर पढ़ता है तो हेलीकॉप्टर में बैठने के सपने देखता है, हमारे बच्चे को हल का सपना दिखा दिया और उससे कह दिया तू किसान बन जा, लेकिन किसान भी किसका, जमीन का मालिक कोई और, तू हल चलाता रहे और बूढ़ा होकर एक दिन मर जा। ऐसे वादों के साथ, ऐसी झूठी बातों के साथ हमें अब आंखें खोलनी होंगी, हमें जागना होगा। और साथ ही साथ एक बात और यहां से आह्वान करती हूँ, इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर जो इस मंच का आयोजन किया है, इस मंच के आयोजन में बहुजन बेटियों का हाथ है। इन बहुजन बेटियों को जो कहा करते थे कि ये तो शोषण के लिए बनी है, ये तो कीड़ी मकोड़ी, इनका तो कोई हक नहीं है, इनको क्या करना है, ये तो जब जवान होंगी तो हमारे हवस का शिकार बनेंगी, ऐसे लोगों के सामने मैं कह देना चाहती हूँ कि ऐसी ऐसी बेटियां अपने अपने जनपद में हजारों हजारों तैयार कर रही है, तुम्हारी नाक में ना दम हो जाए तो कह देना। ऐसी ऐसी बेटियां तैयार करूंगी जिनको तुमने हमेशा कीड़ी मकोड़े समझा, उनको इतना बहादुर और बलवान बना के खड़ा करूंगी कि वो तुमसे सवाल करेंगे, अभी का सवाल नहीं, 5,000 वर्षों का हिसाब करेंगे। और जब 5,000 वर्षों का हिसाब होगा तो तुम पैर से लेकर सर तक हमारे कर्ज में डूबे निकलोगे, तुम हिसाब में कहीं पूरा नहीं कर पाओगे। तो मैं अब आखिर में अपनी बात को समाप्त करते हुए पेरियार की जयंती पर आप समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और पेरियार को नमन करती हूँ।